हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटिक। भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने स्वस्थ होंगे। तो SSB SI कम्युनिकेशन की काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही है, तो कई बच्चे थोड़ा हैरान परेशान थे कि सर कैसे हम तैयारी करें, क्या चीज़ कैसे होगी, ये एक बार बता दीजिए फिर से दोबारा तो मज़ा आ जाए। तो ठीक है भाई, मैंने कहा कोई बात नहीं है। अभी आपका जो RRB JEE GDC वैकेंसी अनाउंस हुई थी, आपकी ALP की हुई थी, फिर उसके बाद आपका DFC आपका हो गया, तो ये जो आपकी वैकेंसीज हैं इसकी क्लासेस चल रही हैं लगातार, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी था मैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये ज़रूरी है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या पढ़ें, क्योंकि मैंने अभी तक आपको ऐप पर नहीं पढ़ाया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था वो चीज़, ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कोई बात कही उसके बाद नहीं की। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं PCM तभी पढ़ाऊंगा जब डेट अनाउंस होंगी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि डेट अनाउंस पता नहीं कब हो। मैं PCM स्टार्ट करूंगा और जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाली है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, टेक्निकल के अलावा। टेक्निकल के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, और ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस होगा वो 2018 के हिसाब से होगा। इस बार क्या आने वाला है किसी को नहीं पता है, मतलब मुझे नहीं पता है, भाई किसी को पता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता है क्या आने वाला है। लेकिन जो 18 पेपर हुआ था उसके हिसाब से हम लोग प्लान करने वाले हैं, और हमने प्लान उसी हिसाब से किया हुआ है। एक बात और है, जो आपका बैच है उसमें कंटेंट इंग्लिश में है, लैंग्वेज हिंदी है, तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मत देखिए, आपका समय बर्बाद होगा और मैं चाहता नहीं कि आपका समय बर्बाद हो, आप लोग कीमती आपका समय है। ठीक है, कंटेंट इंग्लिश में है, लैंग्वेज हिंदी है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब जो लिखा हुआ जो है वो इंग्लिश में है लेकिन मैं आपसे हिंदी बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ही है पूरा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बहुत बना रखी है, तो आपको अगर वीडियोस देखनी है तो मेरे ही चैनल पे आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है SSB SI कम्युनिकेशन का, तो वहां पे आप मैंने सब बता रखा है, पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे, टेक्निकल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जानते हैं डाउट क्या आता है, डिफेंस की जो भी वैकेंसी आती है, चाहे SSB SI हो, चाहे CRPF हो, चाहे कोई वैकेंसी हो, तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए आती है। हेड कांस्टेबल के लिए आती है, फिर आपका असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी आती है, सब इंस्पेक्टर के लिए भी आती है, रेडियो ऑपरेटर के लिए भी आती हैं, अलग अलग वैकेंसी आती हैं। तो जो टेक्निकल वर्ड ये है ना, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। पहली बार जब मैंने भी सुना था तो मुझे लगा टेक्निकल मतलब कि अपना जो हम टेक्निकल पढ़ते हैं अपने इसमें, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भी टेक्निकल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको पता नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो BTech करके या जिन्होंने BTech किया होगा उनको ये नहीं पता होगा, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो SSB SI कम्युनिकेशन में जो हमारा टेक्निकल होता है वो ऐसा नहीं है कि PCM बस आएगा। आपने जो पढ़ा हुआ है कम्युनिकेशन, ये सब जितना भी है ना, ये सब आएगा, EDC, एनलॉग, माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्टिकल फाइबर, कम्युनिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल। अब हुआ क्या कि भाई फिजिकल देने जब बच्चे गए वहाँ पे, स्टूडेंट्स जितने भी गए, तो वहाँ पे लोगों ने, भाई देखो आपका हेड कांस्टेबल का भी पेपर है, हेड कांस्टेबल जो पेपर आपका होता है 12th लेवल पे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है। अब भले ही वो टेक्निकल नाम है, कई कन्फ्यूज है उसमें भी कन्फ्यूज हैं कि सर क्या हमारा टेक्निकल आएगा, तो भैया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही बस आएगा। तो हुआ क्या, उसी में हॉच पॉच हो गया सबका। तो 18 का जो पेपर था उसके हिसाब से आपका जो टेक्निकल, यानी कि ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, बाकी आपकी इच्छा है। अब इस बार क्या पैटर्न करने वाले हैं कोई नहीं जानता है, मैं स्पेशली नहीं जानता हूँ, लेकिन जो 18 में आया था, और ऑब्वियस बात यार ये आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, इसमें BTech वाले अलाउ हैं, BSc वाले अलाउ हैं, तो ऑब्वियस बात है कि लेवल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी रखेंगे यार, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका ये भी रहेगा। तो इसके बारे में पूरा कोर्स आपका कवर्ड है, अच्छे से आप उसको कवर करिए बिना किसी टेंशन के। लेकिन एक चीज़ होती है ना, जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे लगता है कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो, भले ही मैं पढ़ू ना पढ़ू बात की बात है ये होता है। तो देखिए, 100 में से 60 नंबर ये आने वाला है, 100 में से 60 ये आने वाला है, और 40 यहाँ से आने वाला है। तो 40 जो आने वाला है भाई, देखो 25 मैथ, 25 आपका फिजिक्स आया था पिछली बार, तो 50 हो गया सर ये, तो फिर आप कैसे बोल 40 आएगा। भाई जो फिजिक्स आपका पार्ट है ना, फिजिक्स वाला पार्ट कुछ यहाँ पे आपका ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपका जो फिजिक्स पढ़ते हैं आप, वो कवर हो चुका है। कैसे, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चर्चा करने वाले हैं हम लोग किसकी भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो, आप जाके प्ले लिस्ट पे चेक कर सकते हैं, इससे आपका समय बचेगा और हमारा भी समय बचेगा, दोनों का समय बचेगा। बात करते हैं पहले फिजिक्स की। तो फिजिक्स जैसे आपका लेवल, मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, वेव ऑप्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैगजीम पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं आप। वेक्टर जो आपका टॉपिक है ये मैथ में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल था, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई फाई नहीं था, एकदम हाई फाई नहीं था। अगर आप बेसिक लेवल पे चलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन समस्या इस बात की है कि भाई 11th 12th पूरा, यानी कि आपका फिजिक्स पढ़ना मजाक बात थोड़ी है। पेपर आप देखोगे सीधे आपकी थ्योरी पे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ पे आया है, थर्मोडायनेमिक के 0 लॉ पे आया हुआ है,
ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो आप क्या करिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर मतलब कि कोई भी आप एक एमसीक्यू बुक उठा लीजिए, मैं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा, लेकिन अभी आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ 26 चल रहा है ना, तो नेक्स्ट मंथ से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक तरीके से आपका फ्री सेमेस्टर मैथ स्टार्ट किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो मन में आपकी एक दुविधा है, जो समस्या है, वो दूर हो जाएगी। तो मैं एक तारीख से प्लान कर रहा हूँ कि आपका फ्री सेमेस्टर मैथ स्टार्ट किया जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको सब बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन का जो नंबर था मैकेनिक्स से भी आपका, मैंने यहाँ पूरा बनाया हुआ, देखो ये बनाया हुआ है, ये ऐसे टाइम पास नहीं चल रहा है, ये पूरा भाई इस पर काम चलता है। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी कर दिया, पेपर देखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि सर एक वीडियो बना दो, कितना टाइम लगता है, ये जान लो आप, पढ़ाने से ज़्यादा पेपर को एनालिसिस करना, टेस्ट सीरीज बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कोई मुझे पढ़ा बोल दे पढ़ा दो, मैं 10 घंटे पढ़ा दूंगा, लेकिन जब ये पेपर एनालिसिस का समय आता है ना, और जब ये टेस्ट का समय आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है आपको। ऐसे ही कुछ भी नहीं कि मैंने बस उठाया बना दिया, ठीक है। तो मैकेनिक्स से भी आपके वही 2-3-4 नंबर क्वेश्चन आए थे, सबसे 3-4-5 नंबर क्वेश्चन आए थे, यानी कि 1-2-3-4-5-6 टॉपिक हैं, 2-2-3-3 क्वेश्चन आपके हर एक टॉपिक से आए हुए थे। और स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिज्म आपका है, ये आपका ऑलरेडी, अगर आप ये पूरा पढ़ लेंगे ना, ये जो टॉपिक पूरा आपका है ये खत्म कर लेंगे, तो आपका ये अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि फिजिक्स का जो 25 नंबर आता है, 25 में से 7-8 नंबर आपका यहीं पे कवर हो जाता है, ठीक है। बाकी थर्मो, ऑप्टिक्स, वेव, मैकेनिक्स, ये सब मैं आपको कराऊंगा, वेक्टर भी आपको कराऊंगा, ठीक है। थर्मो से 5-6 क्वेश्चन आए थे, आपका ऑप्टिक्स से 3-4 क्वेश्चन आए थे, आपका वेक्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, और आपका क्या कहते हैं मैकेनिक्स से, आपका वेव ऑप्शन मैकेनिक्स आपका जो मैं नहीं है वो उससे आया था, 25 नंबर आया था, फिर से बोल रहा हूँ। 25 में से आप 15 पढ़ाना है मेरे को, बाकी 10 ऑलरेडी यहाँ पे आप पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में, आपका सब मिल जाएगा आपको। और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने आपको सब बता रखा है यहाँ पर, हर चीज़ बता रखा है मैंने आपको, कोई भी चीज़ नहीं, वो है ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। अब बात करते हैं मैथ की, मैथ में, हाँ मैथ में है एक्चुअली, मैथ में मैंने कुछ टॉपिक देखे जो बीएससी लेवल के थे, और 25 में से कम 6-7 क्वेश्चन, जो 6-7 नहीं 5-6 क्वेश्चन आपके बीएससी लेवल के थे, यानी यूक्लिडियन आपका एक कंसेप्ट होता है जो बेसिक आप पढ़ते हैं। एक्चुअली मुझे भी उसका आइडिया नहीं था, जब मैंने उसको देखा और मुझे लगा यार ये तुमने ट्वेल्थ में पढ़ाई नहीं है तो ऐसे कैसे होगा, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब से मैंने ये पढ़ाया स्टार्ट किया है तब से मैंने आपको छुपाया कुछ नहीं है, सब बताया है कि लेवल कैसा है, क्या चीज़ें हैं। तो मैथ के 4-5 क्वेश्चन जो हैं बेसिक लेवल के हैं, वो मैं आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं कराऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे भी देखना पड़ेगा ना भाई, बेसिक लेवल की मैथ मजाक बात थोड़ी होती है, भले आपने बीटेक कर रखा है तो क्या हुआ, लेकिन हाँ देखना पड़ेगा मुझे, तो वो मैं आपको करा दूंगा। लेकिन हाँ, जो 25 में से 20 नंबर की है वो इसमें से ही पूछा गया था, बहुत बेसिक लेवल पे, कैलकुलस, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, सीक्वेंस सीरीज आपका जो नहीं होता, एपी, जीपी, एचपी आपका होता, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कॉनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था, हाइपरबोला पैराबोला क्वेश्चन पूछा गया है, फंक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल पे मिल सकते हैं, तो उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको उस टाइप क्वेश्चन करा दूं और भी ढेर सारे, बाकी हाँ इसी गारंटी मेरी है। तो आप मोटा मोटा अगर देखेंगे तो 60 नंबर आपका जो टेक्निकल है आपका, यानी कि जो भाई ये फिजिक्स केमिस्ट्री आपका ये मिला के, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, कैलकुलस में आपका कई सारे आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन थे आपके, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने आपका डिफरेंशियल से कितने क्वेश्चन थे आपके, हाँ 2 क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल से थे, यहाँ लिखा हुआ है सब लिखा हुआ है, ये देखो सब लिखा हुआ है बकायदा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, आपका सेट से एक क्वेश्चन है आपका था, फंक्शन से आपका एक क्वेश्चन था, फंक्शन आप पढ़ते हैं ना भाई, जो आपका यूनिटरी फंक्शन है कि कौन सा फंक्शन होता है, यूनिवर्सल फंक्शन क्या होता है, ये सब आपके जो फंक्शन होते हैं मैं सब कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं कराऊंगा, लेकिन लेवल जैसे मैं आपसे बोलूँ क्वेश्चन का लेवल बीएससी वाले क्वेश्चन को छोड़ के, जो आपने पढ़ा ही नहीं है तो उसका लेवल हमेशा हार्ड लगता है। अगर मैं हिंदी ना पढ़ूँ तो हिंदी मुझे हार्ड लगेगी, तो मुझे हार्ड लगा क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं है, तो हार्ड लगेगा ये ऑब्वियस बात है, लेकिन ये जो लेवल था इनका लेवल बहुत हाई फाई नहीं था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले ये खत्म करना है, ये नहीं खत्म करेंगे तो सच में दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैं जब शुरू करूंगा तो आपको वो चीज़ें लिंक करेंगी, लेकिन इसके लिए दिक्कत हो जाएगी आपको, तो इसलिए इसको पढ़िए, खत्म करिए इसको। और ये जरूरी भी था कि भाई यहाँ भी आपको पता होना चाहिए भाई क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत डीप नहीं पूछा है, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन मत लगाना आप, नॉर्मली जो होता है वो, बाकी मैं कराऊंगा आपको, हो सकता है कि मैं 1 तारीख से मैं कंफर्म बताऊंगा आपको, डोंट वरी, मैं बता दूंगा कि भाई ये स्टार्ट होने वाला है, कैसे जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, निश्चिंत रहिए आप उसके लिए, ठीक है। हम वेट नहीं करेंगे डेट का, हम लोग पहले स्टार्ट कर देंगे। अच्छा अब बात आती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होगा, केमिस्ट्री आपकी 10 नंबर की आई थी, 10 नंबर की 5-6 नंबर की आपकी आई थी, वो आपका नॉर्मली जैसे आप पेपर तैयारी करते हैं ना, आपका जनरल साइंस जो आपकी होती है, जैसे सीजीएल में हो गया, ये सब में हो गया ना, वो सब पढ़ लो उतना बहुत है। हाँ 1-2 क्वेश्चन आपके आए थे केमिकल काइनेटिक्स से, आपके क्वेश्चन आए थे 1-2 क्वेश्चन की हाफ टाइम पीरियड क्या होता है, वो मैं करा दूंगा आपको,
तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बताया जाए, लेकिन मैंने कहा ना कि भाई देखिए मैं आपसे वादे वही करता हूँ जो पूरे कर सकता हूँ। तो अभी काफ़ी ज़्यादा लोड है, काफ़ी ज़्यादा लोड है, यानी इन सेंस समझ रहे हैं आप, आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, अभी आपकी आनी बाकी है, बाकी जो अदर एग्जाम है ना उनकी डेट आ चुकी है यार। अभी जेई वैकेंसी जो थी वो 23 तारीख उनका एग्जाम है, डी एफ सी जो प्यारे बच्चे हैं उनका 17 दिसंबर का एग्जाम है, ए एल पी का 15 का एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं वो फिर क्या होता है ना कि एक फ्लो जो है उसको फटाफट करना पड़ता है, क्योंकि भाई भरोसे से आपने बैच लिया है तो भरोसा वो ब्रेक होगा तो बड़ा तकलीफ होती है भाई। पैसा तो आ जाए कल नहीं वो तो हो जाता है, लेकिन ये समय वापस नहीं आता ना। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 1 तारीख से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से पहले आप ये खत्म कर लो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ बैच भाई तभी लीजिएगा जब आपको दिक्कत हो, हिंदी हिंदी अगर आपकी है, प्योर हिंदी है तो आप मत लीजिएगा, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है? और मुझे तकलीफ होगी कि भाई आपका पैसा हार्ड अर्न बनी है उसमें फिर कोई मतलब नहीं है। बाकी बैच का लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा। आपको अब थोड़ा सा चेंज हो गया है कुछ ऐप में, चेंज ये हुआ है कि आपको एक तो हार्ड कॉपी का ऑप्शन आएगा तो वो आपको नहीं मिलती है, उस पर मत जाइएगा। मैंने पहले बोल रखा है कि हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी, उसको आपको ध्यान मत नहीं देना है, ठीक है? बाकी आपका जो क्या कहते हैं पेमेंट का जो ऑप्शन है 1000 आपका नहीं 900 आपका है, न्यूटन आपको लगाइएगा, आपको या तो एक मैसेज आएगा या आपको व्हाट्सअप मैसेज आएगा, तो वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या आती है बैच लेने में या कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर दिया हुआ है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप 1 मंथ का प्लान कर रहे हैं, 3 मंथ का प्लान कर रहे हैं, तो देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई स्टार्ट किया जाए बैच, अगर तो ठीक है भाई 100 नंबर में से 60-70 नंबर ले आएंगे तो 50 तो नॉन टेक आपका है ही, वो तो आप खींच ही लेंगे यार आराम से, 130-140 नंबर आप 30 नंबर तो आराम से खींच लोगे, 120 नंबर तो 100 में से 80-85 नंबर हम लोग खिंचवा देंगे बिना दिक्कत के, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी आप सब लाइक से कमेंट करते ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी वीडियो थोड़ा लंबी बन गई होगी, लेकिन हाँ क्या है कि हर चीज़ बातें बोलना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि फिर वो बातें कुछ रह जाती हैं, तो फिर क्या होता है बाद में दिक्कत हो जाती है। और अगेन अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा, जैसे कि सर हिंदी में है कि इंग्लिश में है, कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, ये सब बातें अगर करनी होंगी तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज में करिएगा, मैं आपको बता दूँ पहले ही, ठीक है? क्योंकि भाई वही चीज़ मैं बता रखा हूँ आपको, वही चीज़ मैं आपको फोन से बताऊंगा। मैं एज ए टीचर, मैं टीचर हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ दिन भर, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपको आपसे बात भी कर लूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन जो बातें हैं बता रहा हूं मैं आपको कि भाई जब यहां आपको हर चीज़ मैंने बता रखी है तो फिर अनेसेसरी उसी के लिए कि भाई बैच हिंदी में है कि नहीं है कोई मतलब बनता है कैसे, भाई आपको सोचिए कोई सेंस इसका है, कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, फंसते रहिए, उसका ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत, और मस्त तैयारी करिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? भूला नहीं हूँ, ये मतलब जो कि भूल गया हूँ, क्लास चलेंगे आपकी, निश्चिंत रहिए आप, बाय बाय।